मेरे पंडित जी ने कहा था कि तुम जाओ ये 800 मालाएं से फेर के जाओ और जिस भी लड़की को तुम देखोगे और कहोगे ना मेरी मैं जोगन बन जाओ तो तुमसे कट जाएगी। बुलाओ अपने पंडित जी को, क्लास लगाती हूँ मैं। वो नहीं आएगा, वो खर्चे में छुपा रहता है। सो हे गाइस, मैं अमन शर्मा और आज 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से हम लोग घर पर बैठे हैं, पर मैं खाली नहीं बैठा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ और गेम खेलकर पैसे कमा रहा हूँ। तो आप लोग भी कमा सकते हैं। कैसे? एक्चुअली khelo24bet.com एक ऑफिशियल वेबसाइट है लाइव कैसीनो की और गेम की। वहाँ पर आप गेम खेलकर पैसे कमा सकते हैं। बहुत से गेम है यहाँ पर, अंदर बाहर, तीन पत्ती, बैकैरेट, वर्चुअल बैट, फैंटास्टिक गोडेस, जैकपॉट, लाइव कैसीनो, जस्ट बिंगो और डबल जैकपॉट, ऐसे बहुत से गेम है। तो करना क्या है, सिर्फ रजिस्टर करना है khelo24bet.com पर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में ही है, क्योंकि आप उनको फॉलो करेंगे ना तो आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे और जानकारियां मिलती रहेंगी गेम के बारे में। तो जाकर उन लोगों को फॉलो कर लीजिए और गेम खेलिए यहाँ से। हे, पहचाना मुझे? नहीं, मैंने भी नहीं पहचाना। एक्चुअली द थिंग इज, मेरी एक चीज खो गई है यार। क्या खो गया है? मुझे मिल नहीं रही है वो। क्या? मैंने जैसे ही आपके देखा ना, मुझे लगा वो आपके पास है। क्या मेरे पास है, बताइए। मेरा दिल, एक्चुअली मेरा दिल खो गया है। लेकिन मेरे पास आपका कोई दिल नहीं, मेरे पास एक ही दिल है, वो सिर्फ मेरा। नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरा दिल भी आपके पास है। आपकी स्माइल कितनी किलर है। सॉरी, मैंने बहुत पहले ऐसे लगा दिया, आई एम सॉरी। तो तुम पता है, हम भी नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, यही इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। जा रही है तो मेरे को लग रहा है गई। अरे तुम मिल गई मुझे। हाँ, तुम भाग गई थी वहाँ से। भाग गई थी मतलब? और क्या, तुम वहाँ थी, मुझे छोड़कर भाग गई। मैं तुम्हारा वेट कर रहा था उधर, तुम भाग गई। मेरे को क्या पता कि आप मेरा वेट कर रहे हो। रूबी, तुम ये बहुत गलत कर रही हो, समझी? तुम मतलब सपनों में आती हो और उसके बाद नाम भी गलत बताती हो मुझे। कौन रूबी? मेरा नाम शहनाज है। शहनाज है, देखो कितना प्यारा नाम है। पहले रूबी याद नहीं, पता नहीं आप कितने सारे लड़कियों से बात करते हो, कोई रूबी है, कोई कुछ है, यार हद है मतलब। नहीं तो तुम मुझे मिली अभी ना, वैसे करती क्या हो तुम? हाँ, मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अच्छा यार, मुझे भी, मेरी भी लाइफ में मेकअप कर दो थोड़ा। हाँ जी, जरूर मेकअप कर दूंगी। लाइफ में मेकअप मतलब फेस पे मेकअप? मेरी लाइफ में मेकअप कर दो ना, आके उसको जिंदगी गुलजार बना दो मेरी। अच्छा, और कुछ कलर भर दो मेरी जिंदगी में। ओके, या सारा टाइम फोन पर चिपटे रहना। तुम वो वाली बच्ची हो ना जिसको मम्मी पापा कहता है कि फोन छोड़ो, ये फोन ही तुम्हें ले डूबेगा, आग लगे इसलिए फोन को। फोन क्यों ले डूबे? आपके हाथ में भी फोन है। ये तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है स्टाइल के लिए। ओह वाह, स्टाइल में मारते हो? स्टाइल लगता है। और क्यों नहीं मारेंगे? क्या अब साथ में इतनी खूबसूरत लड़की बैठी हो तो स्टाइल तो मारना बनता है ना। हो गया, ऐसा एटीट्यूड दिखाएंगे। हो गया, और कुछ हुआ नहीं है। एक्चुअली शहनाज, मैंने जब से तुम्हें देखा है ना। कब से देखा है? अभी अभी से, पिछले 4 मिनट से। 4 मिनट नहीं, एक्चुअली 10 मिनट से। 10 मिनट तो मैं देखा, फिर वहाँ तुम्हारे लिए कितना वेट किया, उधर तुम भाग गई। किससे बात कर रही थी? मेरे ब्रदर का कॉल आया था, मैं उनका वेट कर रही थी। वो ऐसा ही है दिल्ली पुलिस में। मेरा ब्रदर ऐसा ही है दिल्ली पुलिस में? ये साले साहब ऐसा ही है दिल्ली? क्या साले साहब मतलब? क्या साले साहब? ऐसा ही है वो। हाँ जी, मतलब। तो यार मैं ये सोच रहा था, देखो मेरे को ऐसा ही, मेरे को भी मतलब बहुत अच्छे लगते हैं पुलिस पुलिस में। और जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें ऐसे प्रपोज कर दूंगा। क्या प्रपोज कर दोगे? ये क्या है, ये क्या है मतलब? कुछ भी, मेरी जोगन बन जाओ। ये नहीं, नहीं आप को तो किसी और को जोगन बनाओ। जोगन बना, जानते नहीं आप मेरे को मतलब। तो क्या हो गया? तो मतलब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। देखो तुम स्मार्ट हो, मैं हैंडसम हूँ, तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ, मतलब एक लड़का लड़की हो तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे, बन जाते हैं ऐसे। तो आप ऐसा सोचते हो, लेकिन मेरी फैमिली ऐसा नहीं सोचती। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और आपको पता होगा हरियाणवी कैसे होते हैं। देखो मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो आपको तो पता होना चाहिए। अच्छा हो जाएगा ना रिश्तेदारी, आपको तो पता होना चाहिए। हरियाणा की हरियाणा में लड़की रहेगी और क्या चाहिए, क्यों नहीं मैम? क्या हो गया बताइए मुझे तो। कुछ देखो, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं यार, आप बड़ा परेशान। मैं तो दहेज भी नहीं लूंगा आपसे। तो दहेज कौन लेता है? और हम दहेज देते भी नहीं है। मैं लूंगा भी नहीं, मैं उल्टा दूंगा आपको। चलो कि भाई लड़की दे दो, दहेज मैं दूंगा। अच्छा,
बात कर लेता हूँ मैं भैया से ऐसा ही बात करके है ना, तो पढ़ जाओ फिर तुम मुझसे। क्या पढ़ जाओ यार, परेशान कर रहे हो आप। परेशान क्यों पीछे पड़े हो, मतलब मैं वहाँ बैठी थी आराम से, मैं उनका वेट कर रही थी, एक कॉल आ गया, फिर मैं इधर आ गई। तो मैं भी तो आराम से आपसे पूछ ही रहा हूँ यार, देखो तुम ऐसे इतना इग्नोर करके मुझे पता, इतना रूडली बिहेव कर रही हो। मैं तो चलो अच्छे से बात कर रही हूँ, कोई और लड़की नहीं है, वरना आपके मारने वारने लग जाती है अभी तक जान के। कोई नहीं मारती, तुम इतना रूड बात कर रही हो। मैं रूड बात कर रही हूँ, मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ, अभी आपने देखा तुम्हारा भाई ऐसा ही है तो। हाँ तो वो तो होगी थोड़ी सी तो। अच्छा तो हमारे भी तो है भैया, क्या है चपड़ासी है, हमने तो कभी ऐड नहीं भाई कि हमारा भाई चपड़ासी है, हमारा भाई चपड़ासी है। हाँ तो हंस सकती हो। अच्छा क्यों हंसने वाली बात की है मैंने, देखो मैं कितना अच्छा जोक मारता हूँ। क्या बात है, अच्छा जोक मारता है ना। तो तुम भाई से बात करो रिश्ते की, मेरे से रिश्ते की वैसे बना दूंगा तो मैं माला। बस बस यार बहुत हो गया, आप तो मतलब कि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ और कुछ ना कुछ बोलती चले जा रहे हो कि माला बना दूंगा, जोगन बना दूंगा, मतलब क्या है यार ये है? क्या है और क्या, यही है क्या ये? ऐसे ही तो बनती है ना गर्लफ्रेंड, और कैसे बनती है। मेरे मेरे पंडित जी ने कहा था कि तुम जाओ ये 800 माला ऐसे फेर के जाओ और जिस भी लड़की को तुम देखोगे और कहोगे ना मेरी, मैं जोगन बन जाओ तो तुमसे पड़ जाएगी। बुलाओ अपने पंडित जी को, क्लास लगाती हूँ मैं। वो नहीं आएगा, वो खोपचे में छुपा रहता है, जब पिटने का नंबर आता है वो मुझे आगे कर देता है। थोड़ा ठगी पंडित है मेरा। ऐसे ऐसे लोगों से तो आप बातें करते हो तो वो आपको ऐसी बताएंगे, ऐसा ज्ञान है यार बहुत हो गया। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा बैठने, शाम का टाइम हो रहा है और मतलब आप यहाँ पे तो बैठो, मैं कोई आपके मतलब मैं तो यार मेरे को थोड़ा अकेले बैठना था। हाँ तो अकेले दोनों अकेले बैठते हैं साथ में, कॉफी कैफे डे चलते हैं। अकेले कैसे हो गया, वो तो साथ में हो गया ना। हाँ तो साथ में अकेले अकेले बैठे, वो भी उस बंदे के साथ जिसको मैं जानती हूं। तुम जान लो ना, बताओ कैसे जान पहचान। नहीं मुझे नहीं जाना यार, आपने नहीं बहुत परेशान कर दिया, बहुत ज्यादा मेरे को गुस्सा आ रही है और मैं गुस्सा आ रही नहीं है, गुस्सा आ रहा है मेरे को। आती है आपको, आ रहा होता है आती है तो जाती नहीं है। एक डायलॉग था ना वो, कौन सा डायलॉग? सबको आती नहीं, ये नहीं फिल्मी दुनिया नहीं चल रही है। ठीक है, बहुत परेशान कर दिया आपने। तो मैं कॉल करके अभी बुलाती हूँ। किसको बुला रही हूँ? मैं डरता नहीं हूँ किसी को, तुम्हारे भाई से डरता नहीं हूँ मैं, समझी? अच्छा अभी किसमें तुम्हारे भाई ऐसा ही है ना? मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज वेट कर रहा हूँ, प्रैंक कर रहे। देखो वहाँ कैमरा लगा हुआ है दूर वो रहा। ये तो क्या क्या चल रहा है ये? अरे एक्चुअली हम एक प्रैंक वीडियो शूट कर रहे थे और हद दे यार आपका तो। I'm sorry यार, चलो करना पड़ता है, क्या करें। बोल तो ना कट करे, कट करे, हाय हाय बंद कर दो, बंद कर दो। तो आपका मेकअप आर्टिस्ट हो आप? हाँ जी। बस स्कूल यार एसआई की बहन और मेकअप आर्टिस्ट, क्यों नहीं, वो अपना अपना शौक होता है, जरूरी नहीं है कि मैं एसआई बनूं। मेरा आपका मन नहीं था कभी एसआई बनने का? हाँ मेरा था वैसे, सच्ची में। तो आप जीएफ बन जाओ ना मेरी, एसआई की जगह जीएफ।